धन्यवाद यीशु, बोलिए कलीसिया, परमेश्वर की महिमा है। एक साथ बोलिए, हमने क्या बोला? ये कलीसिया परमेश्वर के महिमा है। बोलो, बोल रहे हैं यहां का कार्य, अद्भुत कार्य परमेश्वर की महिमा है। यहां का कार्य, अद्भुत कार्य परमेश्वर के महिमा है। बोलो, आप क्या यीशु बनना चाहते हैं? आप क्या प्रभु बनना चाहते हैं? बोलो, हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटियां हैं। मुझ में आएगा, मैं उसमें जाऊंगा, मैं यीशु बन जाऊंगा। मुझ में है, इतना विश्वास है। अब आप रात नहीं हो, अब आप मक्खनलाल नहीं हो, मक्खनलाल अब जीसस लाल बन गया। कोई पहले घूमे नहीं, क्योंकि इस समय परमेश्वर की महिमा का। यदि आप प्रभु की सुनते हैं तो प्रभु का आप आदर करते हैं, और जब आप प्रभु की सुनेंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। आमीन। सही है, सुनने के लिए तैयार हैं? एक बड़ा आश्चर्य कर्म की बात है आज हम जो सुनाने जा रहे हैं, जो यीशु मसीह आपको बताने जा रहे हैं। आमीन। 2019-20 तक ये सब कई 50,000 में पहुंचने जा रही है। अभी 10 से 5 बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये तो प्रोफेसी हुआ। आइए वचन को देखें, कितने पास पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। हाथों में उठाएं। यस, हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, कितने पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले भाई बहन लोग हैं, कौन लोग पढ़ते हैं, हाथ उठावे। कितने लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हाथ उठावे। जो लोग सुनते हैं, हाथ उठावे। पढ़ते हैं, सुनते हैं। चलिए, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 वचन जल्दी से बोलिए। उसका 26 अध्याय भी है, नया नियम 26 अध्याय 26 पृष्ठ पर अध्याय 15, मत्ती का 15 अध्याय उसके 30 वचन, और 30 वचन से पढ़ेंगे। आज एक अद्भुत बात को जानेंगे, आप इसको सुन करके आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होने लगेगा। पीछे पांडे जी, पीछे जितने लोग बैठे हैं, प्लीज गाड़ी में जो बैठे हैं उनको उतार दीजिए, और अन्यथा उनको बोलिए कि आप यहाँ आकर कुर्सी पर बैठ जाए। आपको यदि किसी प्रकार का समस्या है तो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की महिमा है, ग्लोरी ऑफ द गॉड, यदि कोई उसको यूं ही लेता है तो वो यूं ही में चला जाता है। ध्यान से सुने, बोले यीशु मसीह के। पहला 21 पद में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। यीशु वहां से निकलकर, यीशु उस नगर से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला, सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चलने लगा। यस,
आगे बढ़ाओ, आगे कुछ है, आगे बताइए जल्दी से। सूर और सैदा की ओर बढ़ने लगा। सबके हाथ में पवित्र शास्त्र होना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। उसी सूर और सैदा के प्रदेश से क्या निकली? स्त्री, एक कनानी स्त्री। एक दूसरे से बोलिए, एक कनानी स्त्री निकली। पीछे वाले भाई बहन एक दूसरे से बोलिए, एक कनानी स्त्री निकली। निकली आगे और चिल्ला कर कहने लगी। चिल्ला कर कैसे? आगे चिल्लाइए कैसे? चिल्लाई तो क्या चिल्लाई, अभी बता रहे। चिल्ला कर कहने लगी, क्या कहने लगी? हे प्रभु। क्या बोले? आप ही बोलिए। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कौन उत्तर नहीं दिया? यीशु के पीछे वो स्त्री जा रही है दौड़ती हुई। स्त्री भाग रही है और वो क्या चिल्ला कर बोल रही है? बोले थे जी के साथ ऐसा हाथ रखो, ऐसे रखो, ऐसे बोलो। हे दाऊद की संतान, वचन नहीं बदलता। बोलो, किसी की बेटी बीमार है, वो जो यीशु के पीछे भाग रही, उसकी बेटी को क्या पकड़ लिया है? वो घर पर बांधी गई है चारपाई में, उसके हाथ उसके पैर चारपाई में क्या हो गए हैं? किसी गांव में। लेकिन वो किसके पीछे उसकी मां जा रही है और वो क्या कह रही है? क्या बोलिए? प्लीज आप लोग साथ में पीछे वाले बोले, क्या बोल रही है वो स्त्री? हे दाऊद की संतान मुझ पर। जरूर आए हैं, शायद आपका पिता घर पे बीमारी में है, शायद आपकी बेटी घर पे बीमारी में है, वो यहाँ नहीं आ पाई। किसी का माता पिता बीमारी में है, उसका बेटा यहाँ पे आया है, वो नहीं आ पाए। लेकिन चिंता नहीं करना, आज के वचन से चमत्कार हो जाएगा। आज के चेलों ने आकर उससे विनती की। चेलों ने आकर प्रभु जी के पास आया और बोलने लगे, इससे विदा कर। अरे स्वामी, ये आपके पीछे पीछे जल्दी आ रही है चिल्लाती हुई, आप इसे विदा करिए। क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, प्रभु जी ने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़, परमेश्वर के लोगों को कोई भी भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वहाँ आई और यीशु
को और यीशु को प्रणाम करके कहने लगे, क्या किया क्या किया? पहले बात से बोले यीशु को प्रणाम किया, एक दूसरे से बोले यीशु को प्रणाम किया। वो स्त्री यीशु को प्रणाम किया। अब आप लोग साथ रहे, पीछे वाले एक दूसरे से बोले यीशु को प्रणाम किया। बहन भाई एक दूसरे से बोलो यीशु को प्रणाम किया। बोलो 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 बोल रहे हैं लोग, आपके लिए है भलाई। बोलो यीशु को प्रणाम किया। आगे, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। अब इस बात को सभी लोग बोलेंगे चिल्ला करके, शैतान का घर हिल गया। हालेलुया, बोलो शैतान का घर हिल गया, उसकी युक्ति गड़बड़ हो गई। बोले हे प्रभु, क्या बोला गया वचन में? हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता। सब लोग बोले, एक एक लोग सब लोग बोले कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, एक चीज बताइए, कौन बोला अभी? एक प्रभु मेरी सहायता कर, एक स्त्री, एक बहन जिसका बेटी को क्या पकड़ लिया और वो कहाँ बंधी पड़ी हुई है, कहाँ बंधी पड़ी हुई है? लेकिन ये गांव से बाहर, जिले से बाहर, काफी दूर यीशु के पीछे पीछे जाए और बोल यीशु मेरा सहायता करिए, प्रभु मेरी सहायता करिए। तब प्रभु ने क्या कहा? यस, उसने उत्तर दिया। प्रभु ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो, उत्तर को कान खोल कर सुनो। उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। साफ हो जाएगी, बिल्कुल सुनिए सुनिए क्या यीशु ने क्या कहा, फिर से पढ़िए। लड़कों की रोटी लेकर, बोलिए लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। ध्यान दो, हमने क्या बोला? एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, ये स्त्री छोटा बच्चा, ये स्त्री इस बच्चे को नहीं आने दे, उसको जान करें भैया, ये शुरू से करना है। ये कौन सा बच्चा है? सब लोग, ये छोटा बच्चा है। कौन सा बच्चा है? किसी के पास रोटी है? कोई रोटी लेके आया है? हमको दे दे से एक रोटी, ये बच्ची हाथों में क्या लिया है? ध्यान दो, ध्यान दो, क्या लिया है? पकड़ के रखो, सब लोग दरदार लोग को पकड़ के रखो, पूरा खाने हाथों पकड़ के। बच्ची ने क्या लिया है? हाथों में क्या लिया है? हालेलुया, बस कोई इधर उधर नहीं जाए। हाथों में क्या लिया है? क्या लिया है?
यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये बच्चा हो गया, रोटी नहीं किसी के पास, किसी के पास रोटी है? रोटी नहीं, ये रोटी नहीं चिप्स हो गया। एक बार ताली बजाओ। वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? रोटी है। ये क्या है? हमारा चुकर कहाँ गया? चुकर कहाँ गया? है लेके आए? आज कुत्ते का भी काम है। कहां पे है? अरे भैया, यीशु ने क्या कहा? ध्यान दो प्लीज, इधर सब लोग ध्यान दीजिए, कृपया करके हमारी ओर देखें। ये छोटी सी बच्ची है, बोले छोटी सी बच्ची है। यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये बच्चा है, ये कुत्ता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों से, बच्चों की वचन पढ़ो। यस, लड़कों की रोटी लेकर, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों के आगे डालना डालेगा तो क्या बन जाएगा? तो बच्चा क्या रह जाएगा? बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा भूखा हो जाएगा। तब स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने क्या कहा? ध्यान दो। उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है। क्या कहा? यस प्रभु, सत्य है। ये बात बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, क्योंकि कुत्ता खा जाएगा, बच्चा भूखा रहेगा। आगे, पर कुत्ते भी वहां चू चार खाते हैं। जवानों की है, पूरा रोटी नहीं है, ये चू चार है। बोले ये क्या है? पढ़िए पढ़िए। पर कुत्ते भी वहां चू चार खाते हैं। पर कुत्ते भी वो चू चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो कि स्वामियों के मेज से गिरते हैं। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? चूचा। तब क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। इस पर यीशु ने कहा, हे स्त्री, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? आगे, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये जो तू चार खा रहा है ना, ये कौन है? ये जो तू चार खा रहा है, ये कौन है? चाहिए।
बच्चा है, ये राजा है, इसके चूचार को बच्चा खा रहा है, वो कुत्ता खा रहा है। तो उस स्त्री ने कहा, प्रभु राजा की मेज से गिरने वाला चूचार हमें चाहिए। चूचार को खा रहा है कुत्ता, हालेलुया बोले। उसने कहा, प्रभु हमें रोटी मत दीजिए, हमें समूची रोटी की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा से यदि आप टुकड़ा दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। थोड़ा विश्वास है, जा तेरी बेटी क्या हो गई। चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या तो प्रिय भाई बहनों, उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया, प्रभु राजा के मेज से जो चूचार गिरता है हम उसे खा लेंगे। प्रभु राजा पर, राजा ने कहा, जीसस ने कहा, वाह तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है मेज से, तू टुकड़े पर ही विश्वास करती है, जब टुकड़े पर विश्वास करेगा तुझे समूचा मिल जाएगा। प्रभु के साथ आ गए हैं, हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने बैठ गए हैं, हमने विश्वास किया, प्रभु का वचन मुझने आया, आज यीशु मुझे मिल गया। हालेलुया, आप उसके बच्चे हो, बोले हम उसके बच्चे हैं। तो उसके बच्चों के पास चूर-चार नहीं होता, कौन सी रोटी होती है, समूची रोटी। तो समूची रोटी खाने के पहले आपको ट्राई मारेगा प्रभु, क्या 10 रुपये में विश्वास योग्य है, जब 10 रुपये में विश्वास योग्य है तब आपको 100 रुपये यीशु मसीह देगा। प्लीज ध्यान दीजिए भाई बहनों, हमें विश्वास योग्य बनना है, देने वाला वो है। आमीन। विश्वास योग्य नहीं रह पाए आप, थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रह पाए आपने, अपने जीवन में विश्वास को खो दिया, थोड़ा सा समस्या आया विश्वास को खो दिया, थोड़ा सा आंधी आया विश्वास को खो दिया, अरे तो थोड़ी समस्या है, थोड़ी समस्या, लेकिन आपके साथ क्या है, यीशु है, आपके साथ कौन है, यीशु है। जब यीशु आपके साथ में है तो चिंता करने की बात नहीं, आंधी आएगा तूफान आएगा तो चला जाएगा। आपको बहुत वस्तु सौंपा जाएगा। आमीन। यीशु मसीह की जय। उसका बेटी चंगी कैसे हो गई, पहला स्टेप बताइए, विश्वास के साथ क्या किया उसने, ले आशीष, ले आशीष। आमीन। एक बार आया, दो बार आया, परमेश्वर कहे, अरे नहीं 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 नहीं, ये है मेरा बेटी और ये है मेरा बेटा, वो बुला रही थी, ओ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु कुछ नहीं, प्रभु क्या सुन रहे थे, क्या प्रभु सुन रहे थे, बिल्कुल नहीं, क्या सुना, प्रभु सुन ही नहीं रहे थे, चले जा रहे थे। अरे स्वामी आपको बुला रही कोई स्त्री, कौन बुला रही है, स्त्री बुला, जब जैसे प्रभु रुके तुरंत आप पर आकर गिर पड़े।
कहा प्रभु मुझ पर दया करो ना, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है, दया करो ना मुझ पर। प्रभु यही सुनना चाह रहे थे। उसने कहा, प्रभु ने ट्राई किया, क्या ट्राई किया? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। यीशु ने क्या किया? उसने थोड़ा सा ट्राई किया, उसने सही उत्तर दिया, प्रश्न का सही उत्तर दिया। प्रभु राजा की मेज से जो चूर चार गिरता है उसे ही हमें दे दे। चूर चार खाने से उसकी बेटी क्या हो गई? चूर चार खाने से उसकी बेटी क्या हो गई? आप ध्यान दो, मैं आपको ध्यान थोड़ा से हटाना चाहता हूं। प्रार्थना करने वाला कौन था? ध्यान दो, ध्यान दो। प्रार्थना करने वाला कौन था? कौन था? तेजी से चिल्लाओ, कौन था? उसकी बेटी कहां थी? कोसों दूर। लेकिन प्रार्थना करने वाला कौन थी? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ध्यान दो। प्रार्थना करने वाला कोई और, आशीष पाने वाला कोई। उसकी बेटी घर पर क्या हो गई? यीशु मसीह की। आपको पता है आज आप चंगे हुए हैं, आज आप छुटकारा पाए हैं, ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये हमारी काबिलियत नहीं है। ध्यान दो, ध्यान दो। यदि आज आप प्रभु के वचन को पढ़ लिख सकते हैं, यदि आप चंगाई को पा सकते हैं, पाए हुए हैं, आपकी काबिलियत नहीं है। इसके पीछे कितने लोगों का पसीना, इसके पीछे कितने लोगों का पसीना आपके लिए बहाया है, आप उसे नहीं जानते। मां घर पे पहुंची और वो मां बोलती, वो बेटी बोलती, मम्मी मम्मी मम्मी, ओ मैं ठीक हो गई। मम्मी ने उसे नहीं बताया, ध्यान दो, मम्मी ने उसे नहीं बताया। अरे मैं मम्मी बिल्कुल मैं ठीक हो गई, अभी जस्ट आधे घंटे पहले मेरा अंदर का दुष्ट आत्मा निकल गया, मैं ठीक हो गई। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। आज आप यहाँ बैठे हैं, शायद कोई घर पे आपका बीमारी में है, आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका पिता घर पे बीमारी में है, आप यहाँ बैठे आपका पति घर पे बीमारी में है, आप यहाँ बैठे आपका बेटी बीमारी में है, आप यहाँ बैठे आपका पति बीमारी में है, आपका पत्नी बीमारी में है। चिंता करने की बात नहीं, यीशु मसीह आज उसको चंगा करेगा। हालेलुया। भाई बहनों, आज हमारे पीछे किसी ने बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया है, प्रार्थना भी कर रहे, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना हमारे लिए करते हैं ताकि मैं यहाँ पे हूँ। आज आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा। आप अपने आप से नहीं बढ़े, आपके लिए कोई आंसू बहाने वाला, कोई घुटना टेकने वाला आपके लिए है। तब आज यहाँ इतना भीड़ लगा के लोग यहाँ पे आ गए हैं, यीशु ने हम लोगों को भेज दिया है। प्रिय भाई बहनों, कोई ना कोई मध्यस्थता करने वाला होता है, बिचुआई करने वाला, इसके द्वारा आपको आशीष मिलती है। यदि आप अच्छा चरवाहा बन गए हैं, यदि आप अच्छा बाइबल पढ़ने वाला बन गया है, यदि आप आज चमत्कार कर रहे हैं, ये आपकी काबिलियत नहीं, तो इसके पीछे झांक कर देखिए, इसके पीछे झांक कर देखिए। एक पिता अपने बच्चों को कमा के लाता है, ध्यान दीजिए, छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा जो मैंने सुना था। एक बेटी थी और एक माँ थी, कौन थी? एक बेटी और एक माँ थी। बेटी का, बेटी बहुत खूबसूरत थी, ध्यान देना, बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन माँ का चेहरा बिल्कुल गड़बड़ था। माँ का चेहरा क्या था? बिल्कुल वो देखने के लायक उसका चेहरा नहीं था। और उसकी बेटी क्या थी? बहुत खूबसूरत थी। आप जानते हो वो बेटी अपने माँ से घृणा करती थी, ईर्ष्या करती थी, वो अपने माँ को देखना नहीं चाहती थी, दोस्तों और मित्रों के सामने उसका इनकार करती थी कि मेरी माँ नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसी मेरी।
पढ़ती थी कक्षा पांच से लेकर आठ तक वो अपनी माँ को स्कूल में नहीं बुलाती थी। मेरी माँ आ जाएगी तो लोग कहेंगे अरे तेरी माँ ऐसे है, तू इतनी खूबसूरत है लेकिन तेरी माँ ऐसे है। वो जब आए इंटर पास किया और जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, प्रिय भाई बहनों, वो अपने दोस्तों के साथ में वो बच्ची है उसकी माँ मिलने के लिए जाती, लेकिन वो अपनी माँ से मिलती नहीं। वो अपनी माँ को धक्का दे के जाओ जाओ यहाँ से जाओ। लोग पूछे अरे कौन है कौन है, अरे कोई नहीं बस ऐसी है। ये कैसे इसका चेहरा कैसे होगा, गड़बड़ इसका चेहरा है, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है और ये कौन है, कोई नहीं ऐसे मेरी गाँव की है। वो बेटी अपनी माँ को इस तरीके से इनकार करती थी। आपको पता है वो बड़ी हुई कॉलेज से पास हुई और वो नौकरी उसका लग गया और सर्विस की। एक दिन वो अपने गांव आई, जैसी वो अपने गांव में आई बोले कि चल लेते हैं आज अपनी माँ से मिल लेते हैं टेम्परेरी। जैसी वो अपनी माँ से मिलने के लिए गांव में आती है प्रिय भाई बहनों, उस घर में ताला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? और पूछती है हमारी माँ कहाँ गई, वो जिसका चेहरा बिल्कुल गड़बड़ है। वहां एक पड़ोसी रहता था, उस पड़ोसी ने कहा तुम जाती हो बेटी तुम्हें मालूम है कि उसका चेहरा क्यों गड़बड़ था? नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी माँ से इतना घृणा करती थी, तुम उससे मिलने नहीं आती थी। वो बीमार हुई और बूढ़ी होकर वो बीमार होकर मर गए, उसे कोई देखने वाला नहीं, उसे कोई सुरक्षा देने वाला नहीं था और वो मर गए। उसने कहा आज तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है इसका पूरा पूरा अधिकार तुम्हारी माँ को जाता है, तुम्हारे माँ के कारण ही ये तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है। उसने कहा खोल के बताओ क्या हुआ। उसने कहा आज तुम बहुत जब छोटी थी तो तुम्हारे घर में आग लग गया था और तुम बिस्तर पे सो रही थी, बहुत छोटी नन्ही सी बच्ची थी और तुम्हारी माँ बाहर काम कर रही थी, अचानक तुम्हारे घर में आग लग गया और उस समय वो माँ तुम्हें बचाने के लिए उस आग में चली गई और वो तुम्हें बचा लिया और उसका वो तुम ही और वो तुम्हारी माँ है जिसका पूरा चेहरा जल गया वो तुम्हारे कारण, वो अपना चेहरा जला लिया ताकि तुम्हारा चेहरा ना जले, तुम सुंदर रहो वो बदसूरत बन जाए। ऐसा उस माँ ने किया, खुद बदसूरत बन गई लेकिन वो आपको सुंदर बना के चली गई। वो रोती रही और सुन करके बिल्कुल दिल गिराती रही। सच्चाई ये आज यही है, जीसस क्राइस्ट आपके लिए है, यीशु आपके लिए यही बना है। प्रिय भाई बहनों वो सूली पे चढ़ा, वो कुर्बान हुआ, उसे निर्वस्त्र करके सूली पे टांग दिया गया ताकि उसके बच्चों को कोई काम ना पाए। हालेलुया। वो बदसूरत हो गया, वो पापी बन गया ताकि आप पापी ना कहे जाओ, आप पवित्र बन जाओ, आप धर्मी बन जाओ उसके विश्वास करने से। भाई बहनों वैसे ही ये माँ यहाँ प्रार्थना किया यीशु के सामने और उसकी बेटी वहां चली हो गई। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों आज आप ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे, आज मैं यहाँ ऐसे नहीं खड़ा हूँ, हमारे लिए हजारों लोग प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हजारों लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए हमेशा यहाँ प्रार्थना होती है, आपके जीवन में प्रतिफल आ जाता है, आपके जीवन में गवाही आ जाती है। आज यहाँ जो भी जिनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने लगे वो अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं, वो अपने आप को बड़ा घमंड महसूस करते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल देता हूँ, मैं रोगियों को चंगा कर देता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितने लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को जानना जरूरी है, इस बात को जानना जरूरी है। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है, आत्मा आपके लिए दुआ करती है, यहाँ के मेंबर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आने पाए। हालेलुया। बोले श्री मसीह की। इसलिए आज से अपने आप को
को नम्र बनाओ, आज से अपने आप को दीन बनाओ। और कोई तो है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपके जीवन को बदलने की प्रार्थना कर रहा है, आपके चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो पूरा पूरा आशीष आपके अंदर चला जाएगा। बोल यीशु मसीह की। हाथ उठा के बोले हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है। एक दूसरे से बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, उनका हाथ पकड़ के बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है। हाथ पकड़िए, दूसरे को बोलिए, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं हमेशा अपने आप को दीनता और नम्रता में रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर यीशु आ गया। हालेलुया। इसलिए कोई ये न कहे मैं बहुत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे बने हो, तो इसके पीछे कोई पसीना बहाकर आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और इस सेवकाई का भी यही काम है, यहाँ आने वाला प्रत्येक जन के लिए निरंतर और निरंतर प्रार्थना होती है, प्रार्थना किया जाता है, जाकर प्रार्थना किया जाता है, ताकि आपके लिए प्रतिफल आ जाए, और आपकी बेटी यदि बीमार हो तो चंगी हो जाए, आपका बेटा यदि बीमार हो वो सही हो जाए, आपके घर में कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं है, प्रभु आपके लिए दे। आमीन। ओ यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आत्मा से भरा हूं, ये है किसी ने हमारे लिए क्या किया है, प्रार्थना करता है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है, बोले ये परमेश्वर की महिमा है, महिमा है, महिमा है। धन्यवाद है जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज लोगों के जीवन को छुटकारा देने जा रहा है, इसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस।